लखनऊ की, जहां पर बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसों में कंप्यूटर क्लास और मॉडर्न क्लास शुरू किए हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में दस्तावेजों की जाँच के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जब योगी सरकार ने मदरसों की जाँच करवाई तो जाँच में कुछ मदरसे केवल कागजों पर पाए गए हैं, उनका जमीनी स्तर पर कोई भी अस्तित्व नहीं मिला है। बीजेपी नेता ने मोहसिन रजा ने कहा कि ऐसे मदरसे जो कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिन्हें जुर्माने की जगह निलंबित कर देना ही उचित होगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार आई है, हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, मदरसों में कंप्यूटरीकरण किया है, मदरसे में मॉडर्न क्लासेस शुरू किए हैं हमने, और शिक्षा का स्तर बेहतर किया है हमने। हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी है, इनकी पढ़ाई लागू की है, तो इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन लगातार शिकायतें भी आ रही हैं कि 24,000 मदरसों में जो हमारे पास 16,000 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और गैर मान्यता प्राप्त 8,000 मदरसे हैं। तो 24,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में और उसकी जांच SIT कर रही है लगातार शिकायतों के उपरांत, और तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, जो मदरसे हैं, उनके प्रबंधकों से या उनकी कमेटियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो नहीं दे रहे हैं। लगातार SIT के द्वारा अभी आपने देखा, जैसे शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर में कई मदरसों को नोटिस किया है और उनसे भी कहा कि आप अपना दस्तावेज लेकर आइए, आपकी जो जांच चल रही है उसमें कोऑपरेट करिए। तो बहुत से मदरसे हैं नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं, इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है।